नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वसीम शेख है। होम्योपैथिक सेंट्रल मेडिकल कॉलेज कराची से फारिगुल तहसील हूँ। नाज़रीन, आजकल कब्ज़ी का मर्ज़ बहुत बढ़ गया है और ख़ासकर कब्ज़ी के जो बहुत सारे पेशेंट हैं वो शुगर के मरीज़ निकलते हैं। शुगर के मरीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा कब्ज़ी रहती है और कितने ही टोटके और दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा YouTube पे आने का मकसद ये है कि आपको एक ऐसी दवाइयों से आपका तारुफ करा दूं जिससे आपको फायदा हो और आपका टाइम भी बचे, डॉक्टरों के पास जाने से, डॉक्टरों की फीसें भी बचे। महंगी महंगी दवाइयां इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट कब्जी के मामले में आता नहीं है। तो बहुत सारे जो पेशेंट हैं शुगर के, डायबिटिक जो पेशेंट हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें कब्जी का मसला हल नहीं होता, बहुत सारी दवाइयां हम खाते हैं लेकिन हमारा मसला हल नहीं होता। तो मैं आज आपको एक ऐसा शरबत बताता हूँ जो आपकी कब्जी के में इंशाल्लाह ताला आपको फायदा करेगा, आपकी एंजाइटी को फायदा करेगा, सीने में जलन, खटास, तेजाबियत, मैदे की जलन, और खासकर वो लोग भी जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है या ब्लड प्रेशर का मर्ज है वो भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ने का कोई वो नहीं है, साल्ट वगैरह नहीं है इसमें। और जो शुगर के मरीज होते हैं उनका आधा जिस्म तो पानी को आधा जिस्म ले लेता है, आधा उनका पानी जो है खुश्की में, जिस्म की खुश्की में चला जाता है, कुछ मैदे की बड़ी आते हैं उसके पानी को सक कर लेती हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्टूल है ना वो बिल्कुल ड्राइनेस हो जाता है। ड्राइनेस होने के बाद फिर उसमें मूवमेंट की ताकत नहीं रहती कि वो आगे बढ़ सके, आंतें कमजोर हो जाती हैं, आंतों में वो ताकत नहीं होती कि वो आपके स्टूल को आगे को धकेल सकें। तो ये शरबत पीने के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी आंतों को भी ताकत आएगी, आपकी कब्जी को भी जो है ना बिल्कुल सुबह के टाइम आप फ्रेश हो जाएंगे, और आपको अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड प्रेशर में भी आपको कोई इसका नुकसान नहीं होगा। ये शरबत है सुनेक्सो अल्फा फास, ऊपर कहाँ ऊपर ये आप इसको देख लें, इसका नाम देख लें और इसके नाम की स्पेलिंग भी देख लें। शुगर के जितने भी मरीज हैं वो 2 चमचे रात को, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जो ज़्यादतीस के जो मरीज हैं जिनको लेट्रिन और कब्जी और दो दो तीन तीन दिन जिनको स्टूल नहीं आता है, तो इनको इंशाल्लाह डेली स्टूल आया करेगा। ये हमें कम से कम 30 साल हो गए हम इसका इस्तेमाल अपने पेशेंट को कराते हैं और इसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। आखिर में अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और बहन भाइयों तक भी ये पैगाम पहुंच जाए और ये हर अच्छे होम्योपैथिक कोर्स से आपको मिल जाएगा।